हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल निर्वाणिया व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं अभी इंटर्नशिप के बीच में छुट्टी लेके इधर आई हूँ, रायवाला ऋषिकेश। और इसलिए मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे भैया की शादी है और मैं इस शादी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकती। ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट शादी है, इसीलिए मुझे वहाँ से छुट्टी लेके इधर आना पड़ा। एंड तो आज है शादी का फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे मैं ये नहीं बोल रही हूँ आज मेहंदी है, आज मेहंदी नहीं है, आज है सुंदरकांड का पाठ। तो सुंदरकांड के पाठ में तो आपको पता ही है, तो अभी थोड़ी देर में कीर्तन मंडली आएगी जो कि सुंदरकांड पाठ करेंगी एंड उसके बाद हमारा कीर्तन शुरू होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या प्रिपरेशन हो रही है। अभी तो बहुत ही सुंदर प्रिपरेशन चल रही है। अभी मैं हूँ छत में और छत में अभी ये सारा डेकोरेशन चल रहा है और ये नीचे से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी सब लोग अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मौसी, जो दूल्हे की है मम्मी जी, क्या कर रही है मौसी जी आप? रोट बना रहे हैं। अच्छा, आज रोट बना, अच्छा, उनका ध्यान। अरे वाह। तो सुबह सुबह हम लोग उठ के पूजा करके एंड बस अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रही है। भाई ये किस चीज के बने मौसी? आटे के। ये इसमें क्या, ये येलो क्या है? इसमें येलो हल्दी है, इसमें अच्छा। किशमिश है। अच्छा, इसमें बादाम है। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, मतलब ये प्रसाद है भगवान जी का। और ये है छोटी छोटी बहनें हमारी, ये है खुशी, खुशी जो कि अभी उठ रही है। टाइम क्या हो रहा है दोस्तों? ओ अच्छा, ओ 8:30, यार अभी तो इतना भी नहीं हो रखा है। तो ये है हमारी छोटी छोटी प्यारी वाली सी बहनें। एंड यहाँ पे कौन है, हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी अभी अभी इनकी मॉर्निंग चल रही है। और ये है हमारी मौसी जो सुबह से काम में लगी है और काम ही में लगी है बस। रसोई, क्या बोलते हैं उसको, रसोई या क्या? नहीं, हलवाई, हलवाई, हलवाई। और ये नानी जी बिल्कुल प्रिपरेशन करे, क्या रख रही है, क्या कर रही है नानी जी? क्या पहन रहे हो, क्या साड़ी पहन रहे हो आप आज? हाँ जी, अरे वाह, ये कितनी सुंदर साड़ी है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग भी अपनी नानी, आप लोग भी अपनी नानी के लिए ऐसी साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। तो नानी को ये साड़ी मैंने गिफ्ट करी, ठीक है? हाँ, अभी अभी गिफ्ट करी है। और ये हूँ मैं। तो हम लोग ना सुबह उठ गए थे 6 बजे से, इतने काम होते हैं घर में, घर की शादी है तो काफ़ी चीज़ें। ये भी अभी नहा के निकली है। एंड अभी ना एक मौसी हमारी सो रखी है क्योंकि ना ये हमारी प्यारी सी मौसी आती है गुजरात से और इनका सर दर्द हो रहा है कल से, तो आप अच्छे से सो जाओ, ठीक है? अब मैं आपको मिलाती हूँ दूल्हे राजा से। तो ये है हमारे दूल्हे राजा अभिषेक नेगी जी, जिनको हम शिब्बू भैया के नाम से भी जानते हैं। क्यों भैया? और देखो अपनी शादी में सफाई करनी पड़ रही है भैया को। हाँ, किस्में कितनी अच्छी किस्मत है आपकी, अपनी शादी में सफाई है। देखो उनसे मिलो, ये भी। हाँ भाई, ये है जेनी, कुची 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 को। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू, अरे इनसे मिलिए, ये है हमारे मौसा जी, दूल्हे के पापा जी। कौन है? कोई नहीं है, ये व्लॉग बना रही हूँ मैं। मौसा जी सबको हाय बोल दो। हाय, भैया का व्लॉग है तो आना ही चाहिए। अभी देखो मैं किस हालत में बाहर आई हूँ। ये है खूबसूरत सा घर, शादी का घर। और अभी ये सब प्रिपरेशन चल रही है और लाइटनिंग का सब कुछ हो रखा है, बस ये थोड़ा सा जो टेंट वेंट होता है ना, ये इन सब का। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि सुंदरकांड पार्ट कहाँ पे होगा। तो दोस्तों ये है मंडप भी बोल सकते हो आप, जहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अभी यहाँ पे पूरी दनवन बिछेंगे और वो है साइड में मंदिर जो कि रथी देवता का मंदिर है। एंड बस अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे चहल पहल दिखेगी एंड बहुत सारे आपको कीर्तन में गाने, अलग अलग गाने जो होते हैं वो सब यहाँ पर बजेंगे। यहाँ पे हो रहा है मेगा, हमारे भैया जी का जो दूल्हे है। प्रभु
दोस्तों अभी सुंदरकांड का पार्ट जस्ट अभी ही ओवर हुआ है, अभी समाप्त हुआ है। तो हमने इतने मज़े किए उसमें, इतने अच्छे से भजन किए कि वाइब्स ही पूरी अलग हो गई थी और एक नेक्स्ट लेवल में वाइब्स चली गई थी। और बस अभी सबने लंच किया, लंच करने के बाद अभी सब रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट बाद शुरू होने वाला है कीर्तन। तो ना मैं आपको एक अपनी एक बहन से मिला लेती हूँ, मतलब हम यही मिले हैं, इससे ना मैंने इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भी क्लिक करी। और हाय, तो इसका नाम है सृष्टि, कहाँ है तो छतर वाला। तो ये मैं खुद ही हंसी आ रही है क्या बनाते है। लेकिन आंटी जी तभी भी खुश है क्योंकि मैंने इसमें आंटी जी का नेम लिख दिया, इसीलिए मैंने अच्छा वाला फोन लिया ताकि बुरी से बुरी चीज भी अच्छी लगे। मौसी की इतनी सुंदर सी मेहंदी देखो, मौसी से दिखाओ। दूल्हे की मम्मी, अच्छा ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे दिखाओ नीचे। अरे ये हमारी गुजरात वाली मौसी, आप ये दिखाओ मेरे भी देखो भाई। Thank you.